हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑडियंस फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो है अमालगमेशन अकाउंट। अब तक हमने दो कंपनी मर्ज हुए, दो कंपनियां अमालगमेशन में एंटर हुए ऐसा देखा है। यानी अब तक के सब में एक परचेसिंग कंपनी थी, एक ही वेंडर कंपनी थी। अब सब में कुछ नया करने जा रहा है, जहां पे एक परचेसिंग कंपनी दो कंपनियों को टेक ओवर कर रहा है। यानी दो कंपनी बंद हो जाएगी और वो नए नाम से बिजनेस करेगी। ऐसा ही एक एग्जांपल नंबर 6 लेने जा रहा है, अब तक का अच्छा सम। और गुजरात यूनिवर्सिटी में 2016 में ऐसा सम आ चुका है। सो एग्जांपल नंबर 6 ताना रीरी पेज नंबर 82 पे आपको पहुंचना है। एग्जांपल नंबर 6 सम नंबर 6 पेज नंबर 82। और इसके साथ आपको इलस्ट्रेशन 17 देखना हो तो आप वो भी देख सकते हो। और एक सम होमवर्क में भी करना है, सम नंबर 5। तो अमालगमेशन ऑफ अकाउंट में क्या करना है, हमें जनरली परचेजर की बुक में, किसकी बुक में, परचेजर की बुक में दो नेचर से अमालगमेशन की बैलेंस शीट मांगता है। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। यानी यहाँ पे परचेजर की बुक में हमें सब कुछ वर्क करना है। तो सबसे पहले हम कोई एक नेचर से काम करेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो आपको पता है, अमालगमेशन में फाइनल आंसर होगा बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट का आंसर मैच होना चाहिए तो सब करें। तो बैलेंस शीट के आंसर आने से पहले कुछ हम स्टेप गिनते हैं। सबसे पहले अगर हम देखने जाए अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अगर अमालगमेशन मर्जर के नेचर का हो तो पहले तीन स्टेप में आपको तीन अलग अलग चीजें गिननी है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले स्टेप में हम गिनते हैं परचेस प्राइस, सामने वाली कंपनी को जो परचेस प्राइस पे किया वो गिनो। सेकंड स्टेप में न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करो, डिबेंचर होल्डरों को जो पेमेंट किया है वो फाइंड आउट करना है। फिर कैलकुलेशन करना है जीआर का, जीआर की नई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपके लिए कैलकुलेशन अब दो समझा चुके हैं, आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा। अब वही चीजें दो कंपनी के लिए करनी, यानी सम के आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। तो उसके लिए चलिए सम नंबर 6 को स्टार्ट किया जाए। ताना रीरी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, पेज नंबर 82 पे, साथ में एग्जांपल नंबर 5 आपको होमवर्क में दिया है। चलिए स्टार्ट करें सम को। ताना एंड रीरी वेर अमालगमेटेड ऑन 1/4/2014। अ न्यू कंपनी कहीपुर लिमिटेड वाज फॉर्मड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बोथ कंपनी। देखो भाई, ताना ने रीरी दो नाम जो कंपनी है वो अमालगमेटेड होने का सोच रही है ऑन 1/4/2014। यस, उन्होंने अमालगमेशन कर लिया और नए नाम से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कहीपुर नाम की कंपनी के बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरी नई कंपनी का नाम आया कहीपुर। तो इसका मतलब ताना एंड रीरी दोनों बंद हो जाएगी और कहीपुर नाम की कंपनी स्टार्ट रहेगी। तो मुझे यहाँ पे परचेजर एंड वेंडर कंपनी के नाम मिल गए। परचेजर कंपनी कौन है जो दो कंपनी को खरीद रही है, उसका नाम है, उन्होंने कहा है कहीपुर के लिमिटेड, शॉर्ट नाम बोलेंगे और अभी के लिए पूरा नाम लिख रहा हूँ कहीपुर लिमिटेड। और जो वेंडर कंपनी है भाई, जो बिक रही है, बिक कौन सी रही है, दो कंपनी बिक रही है, ताना कंपनी लिमिटेड, ताना लिमिटेड एंड रीरी लिमिटेड, ऐसा जो उन्होंने नाम दिया है, मैं पूरा नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो एक परचेजर कंपनी, दो वेंडर कंपनी, अब काम डबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आपको परचेजर यानी कहीपुर लिमिटेड कंपनी की बुक में सारे अकाउंट मेंशन करने हैं और उसके लिए ना आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। और जनरली आपको चार एडजस्टमेंट जैसे होते हैं वैसा दिया हुआ है। पहला एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर रिलेटेड है, दूसरा एडजस्टमेंट इक्विटी रिलेटेड है, तीसरा एडजस्टमेंट डिबेंचर रिलेटेड है, चौथा एडजस्टमेंट रिजर्व के लिए हमें कुछ बता रहा है। हमें अभी वो एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना, वो अभी सॉल्यूशन में हम देखेंगे। लास्ट में देखो फाइनल आंसर क्या मांगा है, अस्यूम दैट द अमालगमेशन इज द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। अमालगमेशन दो नेचर का हो, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन दोनों नेचर से आपको आंसर कैलकुलेट करना है। तो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कहीपुर लिमिटेड। किसकी बैलेंस शीट, कहीपुर। कहीपुर कौन है, परचेजर कंपनी है। तो जो फाइनल बैलेंस शीट बनेगी ना, बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, वो इन द बुक्स ऑफ कहीपुर लिमिटेड है, इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। चलिए, तो सबसे पहले अमालगमेशन मर्जर का नेचर हो तो
तो मैंने पूरा वर्क आपके लिए अभी सिर्फ ड्राइंग करके रखा है। हमारे कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। अब यहाँ पे दो दो कंपनी को पेमेंट हो रहा है, पहला पेमेंट टाना कंपनी को, दूसरा पेमेंट रीरी कंपनी को। तो टाना कंपनी लिमिटेड अमाउंट, रीरी कंपनी लिमिटेड अमाउंट, ऐसे चार कॉलम मैंने प्रिपेयर किया है। तो चलिए परचेस प्राइस में कौन सी दो चीजें कंसिडर करते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। परचेस प्राइस हमेशा शेयर होल्डरों को दी जाती है, तो उसके रिलेटेड मुझे एडजस्टमेंट नंबर वन और एडजस्टमेंट नंबर टू दिख रहा है। पहला एडजस्टमेंट नंबर टू ले लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर टू, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द टू कंपनी आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कहीपुर लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 12 ईच हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 10। भाई दोनों कंपनी के यानी कि ताना एंड रीरी दोनों कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डरों को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर प्रोवाइड करने हैं, जितने उनके पास थे उतने ही शेयर देने, पर प्राइस कौन सी लेनी है, रुपीज 12 ईच जिसकी फेस वैल्यू 10 है। अब जो शेयर 12 रुपए का फेस वैल्यू 10 रुपए की हो और वो आप 12 रुपए में दे रहे हो तो बीच के 2 रुपए क्या कहलाएगा, आपको ये पता है, ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम। क्या होगा ये प्रीमियम, यानी शेयर उन्होंने प्रीमियम से दिए, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दिया, 2 रुपए क्या है, प्रीमियम। तो इसका मतलब परचेस प्राइस अब बढ़ जाएगी। देखो परचेस प्राइस का कैलकुलेशन पहले मैं ताना कंपनी का कर रहा हूँ, सेम वर्क हम रीरी कंपनी के लिए करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर, उन्होंने नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया, बोला कि इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो पहले थे। चेक करो ताना कंपनी की बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें मिल जाएंगे। ताना कंपनी में मुझे नंबर ऑफ शेयर तो नहीं दिख रहे हैं, पर उसकी शेयर कैपिटल है 10 लाख और एक शेयर का प्राइस है 10। अगर आप डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे 1 लाख, ऐसे नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। तो ये शेयर तो आपको ढूंढना इजीली आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए पर 1 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर की प्राइस कितनी, 10 रुपए, साथ में प्रीमियम भी है, तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा लिखना पड़ेगा, 100% सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम उन्होंने दिया है। तो ऐसे दो चीजें हम अलग से मेंशन करेंगे, 12 रुपए एक साथ नहीं लिखेंगे। रीजन, बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से दिखाना है। तो देखो इक्विटी शेयर होल्डरों को जो पेमेंट किया उसके नंबर ऑफ शेयर हमें पहले ढूंढ लिए कि भाई उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर दिए वो नहीं बताया था, पर बैलेंस शीट में से 1 लाख शेयर हमें मिल गए। 1 लाख पे 10 रुपए शेयर की प्राइस, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख पे 2 रुपए अलग से दिया, टोटल 12 रुपए ऐसे हमें दिखाना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 लाख, ऐसे इक्विटी शेयर का पेमेंट हो गया, राइट। सेम काम रीरी के लिए करो, रीरी के लिए पहले इक्विटी शेयर, उन्होंने बोला इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर, तो चेक करो तो रीरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर आपको मिल सकते हैं, 8 लाख कैपिटल है, एक शेयर की प्राइस 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 80,000 शेयर हुए। ये अंदर दिया नहीं है, डायरेक्ट मैंने ढूंढा है, मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम क्यों आया ये समय, उन्होंने बताया कि 10 रुपए का शेयर उन्होंने 12 रुपए में दिया यानी 2 रुपए प्रीमियम दिए। तो देखो 80,000 × 10 इक्विटी शेयर, 80,000 × 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 8,01,16,000 आई थिंक, राइट। ऐसे फॉर जो सेकेंड एडजस्टमेंट है इक्विटी का काम कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे नई चीज क्या सीखने को मिली, दो दो कंपनी को पेमेंट है। दूसरी नई चीज क्या सीखने को मिली, विद सिक्योरिटी प्रीमियम पेड किया, ये कोई प्रीमियम बताने नहीं आएगा, ये हमें अपने आप काम करना है। सेम चीज प्रेफरेंस शेयर में आ रही है, देखो एडजस्टमेंट नंबर वन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ टू कंपनी आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ कहीपुर लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 120 पर शेयर फेस वैल्यू 100। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को इक्विवेलेंट नंबर, सेम नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं और एक शेयर की प्राइस कितनी लेनी है, 120। अगर उन्होंने बोला 120 रुपए और शेयर की फेस वैल्यू 100 का शेयर 120 में लो, अगेन 20 रुपए क्या हुए, 20 रुपए आपके लिए प्रीमियम हुआ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे अगेन आएगा प्रेफरेंस शेयर में,
तो देखो मेरी परचेस प्राइस के लिए कितना लेंथी वर्क। अब दूसरा काम मैं करने जा रहा हूँ, दैट इज प्रेफरेंस शेयर। चलिए सबसे पहले टाटा कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये नंबर ऑफ कितने शेयर, तो मुझे फिर से बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा और बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर मुझे टाटा कंपनी के टी कंपनी के 500,000 दिख रहे हैं। 500,000 की एक शेयर की प्राइस 100 है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 5,000 शेयर हुए। ये वो वाले शेयर नहीं है, जनरल वाले शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर है। चलिए 5,000 शेयर उन्होंने कहा 120 से दिए, पर मुझे ना यहाँ पे पहले 100 लेने पड़ेंगे और जो 20 रुपए ना 20 रुपए वो प्रीमियम में अलग से जाएगा, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। और 5,000 शेयर पे 20 रुपए प्रीमियम है, 100 रुपए फेस वैल्यू। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक आंसर यहाँ पे 500,000 आएगा और यहाँ पे आंसर 1,00,000 आएगा, राइट। ऐसा अकाउंट रिवी के लिए करना है, पहले प्रेफरेंस शेयर एंड साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम। बट अब मुझे उसके लिए रिवी कंपनी के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर चाहिए और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए 300,000 उसकी शेयर का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक शेयर का 100 है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने मिलेंगे, 3,000। ये 3,000 नंबर ऑफ शेयर आए मल्टीप्लाई बाय 100 अमाउंट और 3,000 शेयर का 20 रुपए प्रीमियम, तो इस तरीके से यहाँ पे आएंगे 300,000 और यहाँ पे आई थिंक 60,000 आएंगे, राइट। इस तरीके से हमारा पहला मेन आंसर दैट इज परचेस प्राइस यहाँ पे टोटल होगा और चार चीजों का टोटल करना है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर विद प्रीमियम, इक्विटी शेयर विद प्रीमियम, इसका टोटल करेंगे तो फर्स्ट में टोटल आएगा 18,00,000 और दूसरे में आएगा 13,20,000। ये टोटल आप अपने आप भी चेक कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, जब हम परचेस प्राइस गिनते हैं उसमें से एक छोटी चीज हम माइनस करते हैं, दैट इज लेस ओल्ड कैपिटल। क्या माइनस करते हैं, ओल्ड कैपिटल। अब ओल्ड कैपिटल दोनों की लेस करने जाएंगे, उसके लिए मेरे पास बैलेंस शीट में से इनकी ओल्ड कैपिटल मिल जाएगी। पहले टाटा कंपनी की ओल्ड कैपिटल प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, तो आपको वो वहां से मिल जाएगी भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टाटा टी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,00,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5,00,000, तो टोटल कुल मिला के इसकी कैपिटल है 15,00,000, राइट। और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे नीचे आंसर आएगा आई थिंक 3,00,000 और वो भी प्लस में आ रहा है, राइट। ऐसा ही काम रिवी के लिए करेंगे। ये हमने उसको पेमेंट किया, ये हमारी परचेस प्राइस है, उसमें से लेस करो उसकी ओल्ड कैपिटल इक्विटी एंड प्रेफरेंस। चलो रिवी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 8,00,000। दूसरी जो कंपनी है उसकी कैपिटल सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 3,00,000। तो 8,00,000 इक्विटी, 3,00,000 प्रेफरेंस, कुल मिला के 11,00,000 ये आ रहा है। और इसको जैसे परचेस प्राइस में से माइनस करोगे ये हमारा परचेस प्राइस है, बाकी की वैल्यू जाएगी ट्रांसफर टू जी आर। आई थिंक 2,20,000 वैल्यू आएगी। मैं आंसर को दोनों को चेक कर लेता हूँ, दैट इज ट्रांसफर टू जी आर। कहाँ जाएगी ये वैल्यू, जी आर में ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर टू जी आर, ये भाई वैल्यू जी आर यानी तीसरे स्टेप में ट्रांसफर होने वाली है। दोनों का आंसर आई थिंक मैच हो रहा है। तो ये हमारा पूरा मेहनत करके कितना लेंथी वर्क हो गया स्टेप नंबर वन में। अब जाते हैं स्टेप नंबर टू पे, जो कि डिबेंचर की नई वैल्यू है, उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर तीन पे आओ। 12% डिबेंचर ऑफ टाटा एंड रिवी कंपनी आर डिस्चार्ज बाय कहींपुर लिमिटेड इशूइंग सच नंबर ऑफ 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई टाटा एंड रिवी दोनों कंपनी को नई कहींपुर कंपनी पेमेंट कर रही है जिससे इंटरेस्ट की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। अब ये इंटरेस्ट की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए ना, उसके लिए आपको काम कैसे करना है, तो देखो पूरा वर्क सिखा रहा हूँ। सबसे पहले फॉर टी कंपनी लिमिटेड, टी दैट मींस टाटा कंपनी, चलिए तो उसके लिए ओल्ड पेमेंट कितना रहा, ओल्ड इंटरेस्ट, वो मुझे जानना है। तो टी कंपनी का डिबेंचर पेमेंट देखो तो बैलेंस शीट में मिलेगा, मुझे दिख रहा है 1,00,000 और 1,00,000 पे वो लोग 12% प्रीमियम दे रहे थे, कितना इंटरेस्ट दे रहे थे, सॉरी इंटरेस्ट दे रहे थे 12, यानी कि 12,000 इंटरेस्ट वो लोग पे कर रहे थे, राइट। अब देखो सिचुएशन क्या होगी, हमें नया न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर ढूंढना है और उसके लिए उन्होंने बोला है 15
15%, कितना पे पेमेंट करना है 15%। तो यहाँ पे देखो ऐसा आप कह सकते हो कि जब 15 रुपए इंटरेस्ट पे डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए, ऐसा मैं आगे एज्यूम करवाया था आपको कि जब डिबेंचर 100 रुपए का हो तो इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 15 है, तो इंटरेस्ट अभी कितना रखना है मुझे, इंटरेस्ट रखना है 12,000। तो यहाँ पे 12,000 इंटरेस्ट पे डिबेंचर, हाउ मच, ये हाउ मच करोगे आपको डेफिनेटली नए डिबेंचर की वैल्यू मिल जाएगी, और फर्स्ट डिबेंचर की वैल्यू आएगी 80,000। कितना वैल्यू आएगा, 80,000। अब कोई बोलेगा ये वैल्यू मेरी वैल्यू सही है कि गलत है, मुझे फाइंड आउट करना हो तो 80,000 ढूंढने के लिए आप 80,000 का 15% निकालो, कितने परसेंट, 15%। इंटरेस्ट अगर 12,000 आ रहा है तो आपका सम यहाँ पे ये जो काम आपने किया है वो करेक्ट होगा। अब ये कैसा है, तो ऐसा ही काम हम रीले के लिए करेंगे तो आपको दोबारा देखने को मिलेगा। ये देखो मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी जो ये काम करने जा रहा हूँ ये स्टेप के लिए, फॉर आर लिमिटेड, आर लिमिटेड के लिए सबसे पहले ओल्ड पेमेंट चाहिए कि भाई उनको ओल्ड इंटरेस्ट कितना मिल रहा था। तो आर कंपनी के डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ढूंढने के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में उसके इंटरेस्ट की वैल्यू है, सॉरी डिबेंचर है 50,000 के, 50,000 पे 12% पेड हो रहे थे, यानी कि 6,000 आई थिंक आएगा, 6,000 इंटरेस्ट पे हो रहा था ओल्ड इंटरेस्ट। ये क्या आया है, ओल्ड इंटरेस्ट। अब मुझे नया डिबेंचर का वैल्यू ढूंढना है तो सिर्फ एक पद रखना पड़ेगा, और वो पद कैसे आएगा कि 15% पेमेंट करने है ना, तो समझो 100 रुपए का डिबेंचर हो, कितने का डिबेंचर हो 100 रुपए का, तो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा 15 रुपए, इंटरेस्ट कितना होगा 15 पे डिबेंचर 100, तो 6,000 पे हाउ मच, ये जैसे हाउ मच करोगे यहाँ पे वैल्यू 40,000 आएगी। अब 40,000 अगर मुझे चेक करना हो कि ये सही है कि नहीं, जैसे 50,000 पे 12% का 6,000 हो रहा था, वैसे ही 40,000 पे 15% करो, अगर आंसर 6,000 आ रहा है तो आपने किया हुआ काम सही है, तो ऐसे डिबेंचर की वैल्यू हमें मिल गई। अब तीसरा एंड फाइनल स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ जीआर, नए जीआर की वैल्यू। ये दो स्टेप के बाद देखो कितना लेंथी वर्क है। अब जीआर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कोई अगर मत सोचना कि इतना लेंथी वर्क है, इतना लेंथी सम वो लोग पूछते हैं, तो 100% कोई एक नेचर से पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको परेशान करना हो तो दोनों नेचर के 14 मार्क्स में भी आ सकता है। चलिए तो अब काम करेंगे हम स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ जीआर। उसके लिए सबसे पहले मुझे बैलेंस ऑफ जीआर लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में से टी लिमिटेड का एंड आर लिमिटेड का। चलिए तो जीआर का बैलेंस चेक करो बैलेंस शीट में। सबसे पहले हमें टी एंड आर का बैलेंस लिख देना है, कितना कितना बैलेंस है, तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है 3,00,000 एंड 2,00,000, ऐसे दो बैलेंस है। चलिए 3,00,000 एंड 2,00,000 लिख दिए, टोटल हो गया 5,00,000, ये वैल्यू गई बाहर। अब आपको याद आ रहा हो तो इसमें दो अलग अलग काम करना है, इन दोनों की इफेक्ट आएगी, स्टेप नंबर 1 की और 2 की भी, पहले ये सेकंड स्टेप की इफेक्ट दे देता है। यहाँ पे चेक करो ये नया नया पेमेंट है, नए पेमेंट को ओल्ड पेमेंट के साथ कंपेयर करो। फर्स्ट टी कंपनी को मैं चेक करूं 80,000 हम पे कर रहे हैं, पुराना पेमेंट कितना था 1,00,000, पुराना पेमेंट 1,00,000 था, नया पेमेंट 80,000, पेमेंट कैसा कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस, इसको बोला क्या जाता है, डिबेंचर रिटर्न प्रॉफिट, क्या बोला जाएगा, डिबेंचर रिटर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला ऐसा होगा, न्यू पेमेंट नहीं, ओल्ड पेमेंट माइनस न्यू पेमेंट, ऐसे हमें फॉर्मूला रख सकते हैं। चलिए दोनों का ओल्ड पेमेंट कितना है, ये टी कंपनी का ओल्ड पेमेंट है 1,00,000, रीली कंपनी का ओल्ड पेमेंट है 50,000, टोटल ओल्ड पेमेंट कितना हुआ 1,50,000, फिर से 1,50,000 कहां से आए, 1,00,000 प्लस 50,000, ऐसे आए 1,50,000। नया पेमेंट कितना किया है 80,000 40,000, तो नया पेमेंट कितना किया 1,20,000। ये दोनों कंपनी का है, ये किसका है, बोध कंपनी का, दोनों कंपनी का है। तो 1,50,000 में से 1,20,000 माइनस करो, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 30,000, तो प्रॉफिट हुआ तो क्या कर देंगे प्लस। फिर से एक बार किसी को कंफ्यूजन ना हो, 1,50 और 1,20 कहां से आए, तो आपने ओल्ड पेमेंट
टी कंपनी एंड आर कंपनी को जो डिबेंचर होल्डरों को पे कर रहे थे वो 1,50,000 था, और ये तो आपको बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है, दोनों कंपनी के डिबेंचर 1,50,000 ऐसे 1,50,000, और नया पेमेंट आया 80 + 40 120। चलिए आगे बढ़े। अब ये परचेस प्राइस है उसमें लास्ट में ट्रांसफर टू जीआर लिखा है, उसकी इफेक्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या करना है माइनस, और लिखना पता है क्या प्लस करो या माइनस, लिखना तो यही है डिफरेंस इन परचेस प्राइस। अब वो प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिखना क्या है डिफरेंस इन परचेस प्राइस। चलिए तो दोनों प्लस में है, यानी कि 3,00,000 और 2,20,000 है, तो टोटल 5,20,000 है, तो 5,20,000 यहाँ से माइनस कर दे ऐसे दोनों। अब ये मैंने फंडा आगे समझाया था, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस क्यों, आपने परचेस प्राइस ज्यादा पे किया है, ज्यादा पे किया है तो बाकी का पेमेंट कहाँ से करोगे, जीआर में से करोगे, इसीलिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया 5,20,000। अब दोनों माइनस प्लस और माइनस करोगे आई थिंक मेरे हिसाब से सिर्फ 10,000 यहाँ पे बच गए, और वो 10,000 कहाँ जाएंगे, न्यू वैल्यू ऑफ जीआर है, ये क्या है न्यू वैल्यू ऑफ जीआर, और वो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, वो कहाँ जाने वाले हैं अभी बैलेंस शीट में, राइट। इस तरीके से हमारे तीन स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं। अब तीन स्टेप के बाद मेन हमारा एक और वर्क क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट आफ्टर अमल कमीशन बनानी है, कैसी बैलेंस शीट अमल कमीशन के बाद, तो ये तीन स्टेप की यहाँ पे इफेक्ट आएगी। और अमल कमीशन इन मर्जर नेचर, अगर मर्जर नेचर अगर उसका रूल तो एकदम सिंपल है, बैलेंस शीट का रूल ये कह रहा है दोनों कंपनी की सारी चीजें प्लस करके लिख दो, दोनों कंपनी की सारी चीजों को क्या करता है प्लस, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं, हाँ पर नई चीजें नई प्राइस से आएगी, यहाँ पे जो नई प्राइस है उससे हम नई चीजें दिखाएंगे, उसके लिए पुरानी बैलेंस शीट साथ में रखो, बहुत लेंथी बैलेंस शीट है नहीं तो अभी काम कंप्लीट हो सकता है। सबसे पहले वहां पे क्या दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम भी शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर लिखेंगे, इक्विटी शेयर और वो दो कंपनी के, टी कंपनी के आर कंपनी के, चलिए टी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल और आर कंपनी के, जैसे बैलेंस शीट में से 10,00,000 और 8,00,000 लिखे मार गए, पर वो 10,00,000 8,00,000 क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों कंपनी को देखो हमने यहाँ पे नया पेमेंट किया है, और लकीली वो 10,00,000 और 8,00,000 सेम है, और वो सेम लकीली है, बाकी ये न्यू पेमेंट लेंगे, ये पेमेंट कौन सा लेंगे न्यू वाला, तो 10,00,000 एंड 8,00,000 ये नया वाला पेमेंट लिया है। फिर से बता रहा हूँ कि आपके पास ये नया पेमेंट है ना आप वो ले रहे हो, वो पुराना वाला नहीं लिया बैलेंस शीट में से, लकीली यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर वगैरह सब इक्वल है इसीलिए वैल्यू सेम आ रही है, तो बाहर जाएगा 18,00,000। फिर उसके बाद सेम वर्क प्रेफरेंस शेयर में, ये लिखा मैंने प्रेफरेंस शेयर और उसमें ताना रीरी, और दोनों का वही न्यू पेमेंट लोगे, ये देखो यहाँ पे नया पेमेंट है, अगर बैलेंस शीट में गए तो मार्क गए 5,00,000 एंड 3,00,000, तो ये लिखे मैंने 5,00,000 और 3,00,000 नई वैल्यू लेना है, तो अब तो आप मैच्योर हो ये चीज समझ गए होंगे। अब नई चीजें यहाँ पे एक और आ रही है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मैं बैलेंस शीट में से स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मुझे पता है आपको भी पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ पेड हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे कहाँ से होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम से ही शुरुआत करो ताकि लास्ट में भूल ना जाओ। तो अब मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम टी कंपनी का आर कंपनी का, और उसके लिए यहाँ पे ध्यान दो टेबल में आपको दो प्रीमियम दिखेंगे भाई टी कंपनी के, एक इक्विटी शेयर में भी है दूसरा प्रेफरेंस शेयर में भी है, दोनों को प्लस करो 2,00,000 प्लस दूसरा पेमेंट है 1,00,000, तो कुल मिला के 3,00,000 नया पेमेंट आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का टी कंपनी को, टी कंपनी को टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पे कर रहा है 2,00,000 प्लस 1,00,000, ये देखो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ तो आपको पता चले। फिर देखो आर कंपनी का 160 + 60 ऐसे है 160 + 60 और उसका टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम होगा आई थिंक हाँ 160 + 60 यानी कि 1,02,20,000, तो टोटल कुल बाहर सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा 5,20,000। ऐसे ही हमारा परचेस प्राइस का काम कंप्लीट हो सकता है, ध्यान से को चेक कर लो ताकि आपके लिए कोई गलती ना हो।
यस नो आंसर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़े, अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में चेक करो तो मुझे अंदर तीन दिख रहे हैं, जीआर दिखा, इन्वेस्टमेंट अनाउंस रिजर्व दिखा, पीएलएल दिखा। तो अब वो रिजर्व इसके बाद तुरंत आ जाएंगे, सबसे पहले जीआर, पर जीआर कौन सा वैल्यू लोगे भाई अंदर दिए वो नहीं, जीआर का तो हमने स्टेप नंबर 3 में काम किया हुआ है, स्टेप नंबर 3 में से जीआर उठाओ 10,000, ये लिखा जीआर 10,000, फिर उसके बाद उन्होंने कौन सा रिजर्व बोला है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ऐसा नाम है, यस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, और वो दोनों कंपनी का लेंगे टाना एंड रीली। तो टाना एंड रीली का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व चेक करके बोलना है हमें, यस फर्स्ट कंपनी का है 80,000, दूसरी कंपनी का है 20,000 और टोटल कुल मिला के 1,00,000 ऐसे। चलिए फिर उसके बाद पीएनएल है, तो ये लिखा मैंने पीएनएल टाना एंड रीली, और टाना कंपनी का पीएनएल है 120 एंड दूसरी कंपनी का है 80,000, ऐसे टोटल बाहर होगा 2,00,000। सिंपल सी बात है, सब कुछ प्लस करके हमें ले लेना है। चलिए आगे बढ़े, फिर उसके बाद डिबेंचर है, तो डिबेंचर यहाँ पे आ जाएंगे नॉन करंट में, और डिबेंचर टाना एंड रीली बैलेंस शीट का ले लो, नहीं वो बैलेंस शीट का नहीं आएगा, उसके लिए देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में मेहनत किया हुआ है, ये टाना एंड रीली दोनों का कौन सा पेमेंट लेना है, स्टेप नंबर 2 में से लेना है। कौन से स्टेप में से लोगे, स्टेप नंबर 2 में से, देखो टाना कंपनी के 80,000 और रीली कंपनी के 40,000, टोटल कुल 1,20,000, और ये टोटल बाहर भी रख देना है क्योंकि लास्ट में जो फाइनल आंसर होगा इन सभी को प्लस करके एक आंसर बाहर जाएगा, दूसरा ये वाला गया और तीसरा वाला करंट लायबिलिटी का जाएगा, और उसमें तो नाम ही है करंट लायबिलिटी, तो इसमें सीधा लेते ताना एंड रीली। ताना एंड रीली की करंट लायबिलिटी चेक करो तो 3,00,000 एंड 1,00,000 है, तो यहाँ तो बहुत इजी हो गया बैलेंस शीट, ये सीधा टोटल आ गया 4,00,000 और ये टोटल मैं सीधा बाहर भी रख रहा हूँ 4,00,000। अब सिर्फ ऊपर का टोटल करके बाहर रखे और कुल मिला के बैलेंस शीट के आपको एक साइड का टोटल आ जाएगा, तो आपको बैलेंस शीट के एक साइड का टोटल चेक कर लेना है, तो टोटल अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए तो ऊपर के टोटल आएगा 18,00,000, आप भी मेरा टोटल चेक कर सकते हो घर पे, क्लास में होते तो आप में से मुझे ये टोटल में हेल्प हो जाती, पर अभी मैं खुद कर रहा हूँ। ये टोटल आ रहा है 34,30,000, फिर उसके बाद उसमें ये दोनों प्लस कर दें तो बैलेंस शीट के एक साइड का मुझे टोटल मिल जाएगा, और वो टोटल आ रहा है 39,50,000 भाई, फर्स्ट आंसर मुझे मिल गया 39,50,000, ये बैलेंस शीट के एक साइड का टोटल आया। अब दूसरी साइड यही टोटल अगर आ जाए तो सम करें, अगर मुझे चेक करना हो, चलो मैंने आपको एक रास्ता भी बताया था, अगर मुझे चेक करना कि ये 39,50,000 सही है कि गलत है, यही टोटल आपका फर्स्ट में आना चाहिए मर्जर में, ये पता कैसे चलेगा, तो अंदर जो बैलेंस शीट दी है ना आपको, अंदर देखो ताना एंड रीली की बैलेंस शीट 24,00,000 एंड 15,50,000, उसका टोटल करो, वो टोटल यही आएगा, तो आप पहले समय चेक कर सकते हो कि आपने कोई मिस्टेक किया है कि नहीं, अगर मिस्टेक किया होगा तो यहाँ पे ये आंसर आएगा नहीं, अंदर दी गई दोनों बैलेंस शीट के टोटल से ये टोटल मैच होना चाहिए। चलिए अब असेट साइड को ले लेते हैं, असेट वाइज में दो तीन ही है, तो वो सीधा हमें वही वैल्यू से ले लेनी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है फिक्स असेट, और फिक्स असेट में देखो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू इज 20% मोर, तो मार्केट वैल्यू का इफेक्ट यहाँ पे मर्जर में नहीं होगा। मर्जर का रूल क्या है, दोनों कंपनी का सेम प्राइस से ले लो, तो दोनों कंपनी का मैं यहाँ पे सेम प्राइस से लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या लेंगे फिक्स असेट, तो ये लिखा मैंने फिक्स असेट, और फिक्स असेट के लिए दोनों कंपनी की वैल्यू, और फर्स्ट कंपनी है टाना, दूसरी कंपनी है रीली। चलिए फिक्स असेट का वैल्यू कितना है, 20,00,000 एंड 10,00,000, ये लिया 20,00,000, ये लिया 10,00,000, टोटल 30,00,000, ये डायरेक्ट बाहर भी रख दे 30,00,000 और वो सीधा बाहर भी जाएगा, और कोई फिक्स असेट है नहीं। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लिख दो, फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट टाना रीली, चलो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है अंदर देख के बताएंगे, इन्वेस्टमेंट टाना कंपनी का है 2,00,000 एंड 1,00,000, तो 2,00,000 प्लस 1,00,000, ऐसे कुल मिला के 3,00,000, और अब टोटल हम कर सकते हैं एक साइड का, और वो जाएगा 33,00,000 बाहर। अब 33,00,000 के साथ साथ अब नीचे डायरेक्ट करंट असेट है टाना एंड रीली, दोनों का सेम ले लेंगे 2,00,000 एंड 4,50,000, और टोटल 6,50,000, ये डायरेक्ट बाहर जाएगा,
ये लिखा 6950, अब जैसे 650 प्लस 30 करोगे ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ये कंप्लीट हुआ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, और बैलेंस शीट का आंसर आप चेक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेने जाएंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पे बोर्ड पे जगह करनी पड़ेगी, बाकी चीज इज एज इट इज मैं रख रहा हूँ। चलिए तो अब देखने जाएंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। चलिए तो अब अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस के लिए जो जो चीजें नहीं रिक्वायरमेंट थी वो मैंने हटा दिया है, पर पूरा बैलेंस शीट एज इट इज रखा है ताकि आपको समझा सकूं कि परचेस और मर्जर के नेचर में डिफरेंस क्या है। और दोनों बैलेंस शीट पे मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, पर कुछ ना कुछ चीजें चेंज होगी। तो उसके लिए अब हम आंसर नंबर बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस। और जैसे मर्चेंट में आगे तीन स्टेप आप गिनते थे, वैसे ही यहाँ पे भी तीन स्टेप आपको गिनने हैं, जिसमें से पहला स्टेप आपके लिए बहुत ही इजी, स्टेप नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। आगे जैसे आपने देखा था दोनों कंपनी की परचेस प्राइस, टाटा कंपनी की परचेस प्राइस थी भाई 18 लाख, और जो रीडी कंपनी थी उसको हम पेमेंट कर रहे थे 13,20,000। आप चाहो तो ये पूरा कैलकुलेशन अगर 14 मार्क्स में दोनों नेचर साथ में आए ना तो पूरा कैलकुलेशन फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है परचेस प्राइस टाटा कंपनी की 18 लाख, रीडी कंपनी की 13,20,000। ये पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो चलेगा, अभी मैंने आपके लिए बोर्ड पे एज इट इज रखा है। अब जा रहे हैं स्टेप नंबर टू पे। स्टेप नंबर टू में हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट। अब हम क्या ढूंढना है, नेट असेट ढूंढना है। तो उसके लिए हमारे पास दो कंपनी है, कोई भूलना नहीं चाहिए, यहाँ पे दो कंपनी है। तो कॉलम हम कुछ ऐसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर, देन दो कंपनी की कॉलम टी लिमिटेड आर लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे दो कंपनी के हमें नेट असेट फाइंड आउट करनी है। चलिए नेट असेट का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन नंबर ए, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो ये थोड़ी जगह छोड़ के लेस लायबिलिटी, और उसको बी कहेंगे। जैसे ए में से बी लेस करोगे आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा नेट असेट ए माइनस बी। चलिए टाना एंड रीरी कंपनी की टोटल असेट के लिए सबसे पहले असेट साइड जाता है, तो असेट साइड मुझे सबसे पहले दिखा है फिक्स असेट, पर फिक्स असेट के ब्रैकेट में कुछ है, मार्केट वैल्यू इज 20% मोर। तो जब आप नेट असेट गिनते हो और टोटल असेट में आप फिक्स असेट लेने जाते हो तो उसमें बोला है मार्केट वैल्यू 20% ज्यादा है, तो ताना एंड रीरी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें सबसे पहले टी कंपनी की देखो फिक्स असेट, वो फिक्स असेट वैल्यू है 20 लाख, तो 20 लाख प्लस 20% कर दो, आप डायरेक्ट कर सकते हो 20 लाख 20% करोगे तो आई थिंक 24 लाख आएगा। तो ये नई वैल्यू उसमें हमें प्लस करनी है, क्यों ये प्लस किया फिक्स असेट में, फिक्स असेट जब हमने लिया टी कंपनी का उसमें 20% मार्केट वैल्यू हमें लेनी है, 20% मोर है ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा ही सेम काम रीरी के लिए करो, रीरी के लिए फिक्स असेट कितनी है दूसरी कंपनी के लिए 10 लाख है, 10 लाख पे 20% इंक्रीज करो, जैसे आप 20% इंक्रीज करोगे वैल्यू आएगी आई थिंक 12 लाख, तो 24 लाख एंड 12 लाख लेने फिक्स असेट में। रीजन नेट असेट के लिए आप मार्केट वैल्यू कंसिडर करोगे। चले आगे बढ़े, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो तो सेम प्राइस से ले सकते हैं। तो फिक्स असेट के बाद है इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट, तो इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी का फर्स्ट में है 2 लाख एंड दूसरी कंपनी में है 1 लाख, जबकि करंट असेट है 2 लाख एंड सामने वाली कंपनी दूसरी कंपनी की करंट असेट 4,50। तो चेंजेस एक आया है, अब इसको प्लस करोगे तो आपको ए का आंसर मिलेगा दैट इज टोटल असेट, और टोटल असेट का आई थिंक आंसर आएगा 26 लाख, और यहाँ पे आंसर आएगा आई थिंक 17,50,000। आप टोटल चेक कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट अंदाजा लगा के टोटल किया है। चलो मैं टोटल को चेक कर लेता हूँ, यस ये टोटल अभी आ रहा है। आगे बढ़े, फिर उसके बाद क्या करना है, नहीं यहाँ पे 28 लाख आएंगे, माय मिस्टेक 18 लाख है, 28 लाख आएंगे, और यहाँ पे बराबर है 27,20,000 नहीं 50 राइट ओके। चलिए फिर उसके बाद इसमें से क्या लेस करना है हमें, लायबिलिटी, और लायबिलिटी के लिए आप लायबिलिटी साइड जाओगे तो आपको 3-4 अलग अलग बहुत सारी लायबिलिटी दिखेगी, पर उसमें सब कुछ नहीं लेनी है,
टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या रूल है कि ओनर्स कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेने हैं, उसके अलावा बाकी सब कुछ लेना है। तो अंदर इक्विटी है, प्रेफरेंस है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व है, पीएनएल, वो सब कुछ नहीं लेना है। सिर्फ क्या लेना है, डिबेंचर भी है वो लेना है एंड करंट लायबिलिटी लेना है। चलिए दोनों कंपनी के डिबेंचर की वैल्यू, अच्छा जैसे अंदर लेते गए गलत हो जाएगा, आपको डिबेंचर की नई वैल्यू लेनी है। नई वैल्यू आपको यहाँ बैलेंस शीट में मिल जाएगी 80,000 एंड 40,000 है, जबकि करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 3,00,000 एंड 1,00,000। अब ये माइनस करना है आपको, तो ताकि आपको नेट असेट का आंसर मिले। फर्स्ट नेट असेट का आंसर होगा 24,20,000। आपको भी चेक कर लेना है कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। दूसरी कंपनी का आंसर होगा 16,10,000। तो ये हमारा नेट असेट आया, दोनों कंपनी का नेट असेट, दोनों कंपनी का परचेस प्राइस। स्टेप नंबर 3 याद है आपको, स्टेप नंबर 3 दो समझा चुके हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या मिलता है, आइदर कैपिटल रिजर्व आइदर गुडविल की वैल्यू। अब ये दोनों में से कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, कंपेयर करो इन दोनों को, कंपेयर करो नेट असेट कितनी है फर्स्ट कंपनी की, दूसरी कंपनी को, सॉरी ताना कंपनी की नेट असेट है 24,20,000, सामने उसको हम पेमेंट करें 18,00,000। अब पेमेंट कैसा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, पेमेंट कम करो यानी कि आपकी नेट असेट ज्यादा हो परचेस प्राइस से, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। तो फिर से एक बार, सब में हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, दोनों कंपनी का अलग से कैलकुलेट करेंगे, टाना एंड रील। टाना कंपनी का टोटल यहाँ पे करेंगे, यस वैल्यू आएगी, टाना कंपनी की नेट असेट है 24,20,000 और परचेज प्राइस है उसकी 18,00,000। तो बाहर आंसर जाएगा, यस यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी जगह बच जाए इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, टी एंड आर। टाना कंपनी की नेट असेट है 24,20,000 एंड उसका परचेस प्राइस है 18,00,000। आंसर माइनस करने से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद रीडी कंपनी, रीडी कंपनी की नेट असेट है 16,10,000 और उसका परचेस प्राइस है 13,20,000। इसको भी इसमें से माइनस करोगे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट में वैल्यू मिलेगी 6,20,000 एंड दूसरे में वैल्यू आएगी आई थिंक 2,90,000। इन दोनों को प्लस भी कर लेते हैं ताकि क्या है, जनरल रिजर्व, सॉरी ये जो कैपिटल रिजर्व है एक ही लिखना पड़े, इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ 6,20,000 एंड 2,90,000। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास नया कैपिटल रिजर्व आएगा 9,10,000, ये नया आया। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। तो ये तीन हमारे छोटे छोटे स्टेप थे अमल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस के लिए। अब हमारा मेन काम, सॉरी ये तीन स्टेप कंप्लीट होने के बाद अमल कमीशन बैलेंस शीट आफ्टर अमल कमीशन बनाना है। तो मर्जर में और परचेस में रूल डिफरेंट है। अमल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस के लिए जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसमें रूल क्या है बैलेंस शीट के लिए कि सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग कंपनी की सारी चीजें दिखाओ, वेंडर कंपनी की वही चीजें दिखाओ जो आप परचेस करके ला रहे हो। और यहाँ पे तो देखो दो दो कंपनी बिक रही है, ताना एंड रीली दो कंपनी बिकने जा रही है और नई कंपनी है कहींपुर लिमिटेड। तो कहींपुर कंपनी के लिमिटेड में ये पूरी बैलेंस शीट है। अब आपको वही चीजें दिखानी है जो ताना एंड रीली कंपनी की हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहींपुर कंपनी की तो बैलेंस शीट है नहीं, तो ताना कंपनी की वही सारी चीजें है कि नहीं, देखो अभी 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, पूरा बैलेंस शीट आपके सामने है और उसमें चेंज कहाँ आएंगे चेक करो। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ताना रीली दोनों कंपनी को यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, तो ये चीज एज इट इज रखू मैं, हाई एक चीज एज इट इज रखना पड़ेगा, ये एज ए ही आएगा। अब देखो मेजर चेंज आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, स्टार रेटिंग। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम ताना एंड रीली को पे कर रहे हैं, हम के कंपनी है कहींपुर लिमिटेड, तो ताना एंड रीली को सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये भी एज इट इज। यहाँ पे कहीं जीआर है, जीआर, ये जीआर है नहीं आया, तो जीआर की जरूरत नहीं है भाई, ताना एंड रीली दोनों कंपनी का जीआर यहाँ पे दिखाया जाएगा नहीं, ये पहला चेंज हुआ, देखो यहाँ पे जीआर रह चुका है। अब बात आ रही है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 पे ध्यान दो, आगे हमने वो एडजस्टमेंट नहीं लिया था, यस एडजस्टमेंट नंबर 4।
investment allowance reserve is to be maintained for more than 2 years. When investment allowance reserve 2 साल तक रखना है, ये ताना एंड रेली दोनों का रिजर्व में हटा देता, यहाँ से मिटा देता. But adjustment number 4, किसने कहा? Adjustment number 4 में कहा है कि ये दोनों as it is रखो. तो ये देखो, मैंने वो यहाँ पे as it is रखे. अब देखो, मुझे दिख रहा है PNL. क्या हम ताना एंड रेली का PNL K कंपनी की बुक में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे. तो ये गया PNL यहाँ से उड़ गया, ठीक है, वो चला गया कहीं दूर चला गया, ठीक है, PNL यहाँ से हट गया. तो यहाँ पे चेंज आया, GR चला गया, PNL चला गया, क्योंकि हम आपके कंपनी की बुक में बैलेंस शीट बना रहे हैं और यहाँ पे कहीं पे रिजर्व एंड सरप्लस की बात नहीं है. पर अच्छा, ये नया रिजर्व है, इसको भूलना नहीं है, कैपिटल रिजर्व भूलना नहीं चाहिए. ये नया है कैपिटल रिजर्व, कहाँ से आया? स्टेप नंबर 3 में से आया, और कितना है? 9,10,000. तो यहाँ पे नया टोटल आ जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल टोटल हम कर सकते हैं. पर उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कोई चेंज आएगा. डिबेंचर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर करंट लायबिलिटी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ताना डेली कंपनी का ये जो डिबेंचर और करंट लायबिलिटी है वो भी एज इट इज रखेंगे. तो चेंजेस सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, ये आपने 200 में देखा होगा. तो यहाँ पे चेंजेस करने के बाद अब हमारा सीधा टोटल का काम हो जाता है. तो यहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूँ, सबसे पहले 18 लाख, फिर उसके बाद 8 लाख, फिर उसके बाद 5,20,000, देन उसके बाद 1 लाख, देन उसके बाद 9,10,000. ओके, तो वो टोटल आएगा 41,30,000. एंड ये एज इट इज है, तो इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, तो हमारी बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल आ जाएगा 46,50,000. अब यही टोटल यहाँ पे भी मैच होना चाहिए, 46,50,000 टोटल यहाँ पे आना चाहिए. अब वो कैसे आएगा, तो अब असेट साइड में देख लो. असेट साइड आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? फिक्स असेट. यहाँ पे मिस्टेक था, फिक्स असेट. चलिए, फिक्स असेट ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ, बट अब देखो फिक्स असेट ताना एंड की 20 लाख 10 लाख लिखे तो भी मार्क्स गए. आपको याद हो तो अब भी हमने नेट असेट में, टोटल असेट में ताना एंड रेली दोनों कंपनी की मार्केट वैल्यू वाली असेट यहाँ पे टेक ओवर किया है. तो 20 लाख नहीं लिखना है, 20 लाख और 10 लाख की जगह पे 24 लाख एंड 12 लाख आंसर आएगा. कितना आएगा? 24 लाख एंड 12 लाख. और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 24 और 12 यानी कि 36 लाख. और 36 लाख पे 3 ऐड करोगे, 39 लाख यहाँ पे टोटल बाहर जाएगा. इन्वेस्टमेंट एज इट इज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्यों नहीं चेंज किया? वो तो मार्केट प्राइस नहीं है. तो 24 लाख प्लस 12 लाख ऐसे वहां पे वैल्यू लिखा. चलिए, करंट असेट में कोई चेंज आएगा? इसमें भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि हम वही प्राइस से लेके जा रहे हैं. तो तीनों में से चेंज क्या आया? फिक्स असेट में चेंज आया. अभी टोटल चेक करोगे 39 लाख एंड 6,50,000, फिर भी कुछ मिसिंग आएगा. ये तो 100% है. जब अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस से करते हो, यहाँ पे असेट साइड मिसिंग 100% आएगा. और वो टोटल में कितना मिसिंग है ना, आपको पहले से पता होगा. देखो कितना मिसिंग होगा, पता है? 80+ 1 लाख मिसिंग होगा. ये मुझे कैसे पता चला भाई 1 लाख मिसिंग है? वो है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ताना एंड रेली कंपनी का 80,000 एंड 20,000. तो ये पता कैसे चला कि ये 1 लाख है? बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 4. ये जो दोनों कंपनी का रिजर्व है, हम नई कंपनी की बुक में नहीं लिखने वाले थे, पर उन्होंने बताया कि रिजर्व मेंटेन करना है तो उतनी चीजें क्रेडिट साइड मिसिंग होगी, सॉरी असेट साइड मिसिंग होगी. तो ये नहीं रखना चाहिए था, इसलिए 1 लाख यहाँ पे मिसिंग आए. और उसको कहाँ लेके जाओगे? उसको लेके जाओगे अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट. कहाँ लेके जाना है? अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट. समझ रहे हो? तो ये आपको आंसर टैली करने की रीत है कि यहाँ पे टोटल आएगा, टोटल में कितना मिसिंग है आप पहले से जानते होंगे. अगर बैलेंस शीट की टोटल आ जाए तो आपका सब करेक्ट. समझ रहे हो? पूरा सब आराम से देखो. वी होप कि एग्जाम में कोई एक नेचर से सम पूछे, पर आप अनलकी हो तो दोनों नेचर से सम पूछ सकते हैं. उसमें आपकी मास्टरी तभी होगी जब आप स्पीडली कैलकुलेट करोगे, और एक जैसा फॉर्मेट है तो स्पीडली कैलकुलेट कर पाओगे. साथ में होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है.
घर पे एक सम होमवर्क में करो, ये पूरा सम देखो और नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।